बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर करनाल में भी आवाज उठने लगी है। राजनीतिक संगठन व सामाजिक संगठन बेटियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में करनाल के लघु सचिवालय में शिवसेना की ओर से देश में प्रतिदिन बेटियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध व बल्लभगढ़ में नितिका तोमर की सरेआम हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। शिवसेना के प्रदेश उपप्रमुख अमित तंवर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में बिल्कुल विफल है। बेटियों का देश में सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने नितिका तोमर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं शिवसेना की ओर से त्योहारों के मद्देनजर पटाखों व आतिशबाजी के पैकेट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह देवी देवताओं का अपमान शिवसेना सहन नहीं करेगी। शिवसेना की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान दर्जन भर शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज हम अपने जिला सचिवालय के अंदर हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को दो ज्ञापन देने आए हुए हैं। पहला ज्ञापन तो हमारी बेटी निकिता तोमर के साथ जो एक शर्मनाक घटना हुई, उसको सरेआम गोली मार दी गई, उसको लेके हम ज्ञापन देने आए हैं कि उसको जेल के अंदर ही रखा जाए, या तो जेल के अंदर रखें, अगर बाहर निकालना है तो उसको सरेआम गोली मार दी जाए। अगर भारत सरकार ये काम नहीं कर सकती है तो शिवसेना के शिव सैनिकों को मजबूर ना करें कि उसको सरेआम मारने का हम काम करें, क्योंकि अब बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको शिवसेना पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरा ज्ञापन हमारा है कि जो दिवाली का पर्व आ रहा है, उस दिवाली के पर्व पे हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के चित्र पटाखों के ऊपर आती सामग्री के ऊपर अंकित किए जाते हैं, तो हमारा ये कहना है कि उनके कोई भी फोटो इस तरीके की आतिशबाजी के ऊपर सामग्री के ऊपर ना लगाया जाए। अगर किसी भी पटाखा कंपनी ने ऐसा किया तो शिवसेना के शिव सैनिक उस सामग्री को तुरंत प्रभाव से जब्त कर लेंगे और उनके ऊपर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के मामले में कानूनी कार्रवाई कराएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।